ये एक साधारण सी स्ट्रॉ को दो भाग में काट दिया और ये दूसरी वाली स्ट्रॉ है इसको भी दो भागों में काट दिया। ऐसे काटा ताकि इसके आगे जो दो हाँ चिड़िया की चोंच जैसे बन गए, इधर भी ऐसा ही हो गया। और अब मैं इसको अपने मुंह में रखकर फूंकता हूं, क्या लगता है क्या होगा? और इसी तरह से ये वाली इसको लगाकर दबाएं तो क्या होगा? आवाज में फर्क है, फर्क है। ऐसी आवाज, ये वाली कैसी आवाज है? अगर बच्चे खेलने जा रहे हो और बच्चों को वापस घर बुलाना हो तो पिताजी की आवाज और वही काम माँ करे बच्चे तुरंत वापस, क्योंकि ये वाली आवाज की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पिच ज्यादा है और ज्यादा पिच कानों को ज्यादा सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा दूर तक जाती है, हमारे कान कुदरत ने ऐसे बनाए हैं कि उसको ज्यादा सुनाई दे, इसलिए औरतों की आवाज यही बनाई गई है। इनफैक्ट बच्चे जब रोते हैं, और सोचिए कल्पना करिए बच्चा अगर इस आवाज में रोए, किसी को सुनाई ना दे, माँ दूध ही ना बुलाए और बेचारा बच्चे की हालत खराब। सो दैट इज वाई इट हैज बीन डिजाइंड दैट व्हेन वी शाउट द पिच हैज टू बी हायर। और किसके ऊपर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। और कैसे देख लीजिए, जैसे जैसे हम काटते गए पूरा सरगम निकलती गई और कई बार बड़ी रोचक घटनाएं हो जाती हैं, काटते काटते पता नहीं चलता। और उंगलियां हम चार तरीके से रख सकते थे लेकिन आवाज तीन क्यों आई? क्योंकि हमने अपने पाइप को तीन भागों में काटा, इतना इतना, और तो इसेंशली तीन छेद थे, दो काटे और एक पहले से ही था, तो तीन छेद थे तो तीन आवाज आई। इसलिए अगर हमारी बांसुरी जो हम बजाते हैं उसमें हम छह छेद काटते हैं, एक पीछे ही होता है, इसलिए सरगम के सात स्वर बजते हैं। स्ट्रॉ का वो ले लिया, बच्चों को दे दी, किसी ने स बजाया, किसी ने थोड़ा और काट कर उसको रे बजाया, और उसमें एग्जैक्ट आपको नापना पड़ेगा कि कितना काटे, नाप के नहीं कानों से सुन सुनकर। तो स के बाद रे, आपने ऐसी सात अगर स्ट्रॉ बना दी तो बढ़िया साइंस का प्रोजेक्ट हो गया, पूरी सरगम इसी से बजेगी, सरे गम पधनी। तो दूसरा वाला दूसरे सप्तक का सा,